हेलो डी स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है, जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। देखिए, रेशियो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो ये भी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। दूसरा, हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे, जिसको हम कहते हैं सीधा समानुपात, और इनडायरेक्ट के बारे में भी जानेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि ये जो इनडायरेक्ट जो प्रोपोर्शन है और जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वो एक्चुअल में होते क्या। इसे मैं प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कार है और उस कार की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है, राइट? 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप चल रहे हैं। और मान लीजिए कि एक सिटी है दिल्ली, आप दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से आप कानपुर तक जा रहे हैं, राइट? और दिल्ली से कानपुर का जो डिस्टेंस है वो है करीब यहाँ पे 800 किलोमीटर है, राइट? दिल्ली से कानपुर 800 किलोमीटर है। अगर आप मुझे ये बताइए कि अगर आप एक वन आवर में क्या हो रहा है, 1 आवर में आप 40 किलोमीटर चल रहे हैं, राइट? तो 2 आवर में आप कितना चलेंगे? 2 आवर में आप 80 किलोमीटर चलेंगे, राइट? और इसी तरीके से 3 आवर में कितना चलेंगे? 120 किलोमीटर चलेंगे, राइट? इसी तरीके से 4 आवर्स में कितना चलेंगे आप? 4 आवर्स में कितना चलेंगे? तो क्या हो रहा है, जब आवर्स हमारा बढ़ रहा है तो किलोमीटर भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कवर हो रहा है, आप ये कह सकते हो। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। जब इस तरीके से आप देखेंगे कि जब आप 10 घंटे कंप्लीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 400 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे, और इसी तरीके से जब 20 घंटे आप कंप्लीट करेंगे तो आपके 800 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि अगर हम आवर्स को बढ़ा रहे हैं, अगर हमारा आवर्स प्लस हो रहा है तो ये किलोमीटर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम कह रहे हैं क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्टली बढ़ रहा है। क्या हो रहा है ये, डायरेक्टली क्या हो रहा है, डायरेक्ट रेशियो में बढ़ रहा है। दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं, आवर्स भी हमारा बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, किलोमीटर भी हमारा बढ़ रहा है। अब देखिए, अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप चीजों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, यही हम 40 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चल रहे हैं, राइट? मैंने स्पीड को कॉन्सेंट रखा है और 40 किलोमीटर आवर्स में आप 1 आवर्स में चल रहे हैं, राइट? अगर मैं ये कह दूं कि अब मैं 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा हूँ, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई है मेरी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई है, तो ये बताइए 80 किलोमीटर की स्पीड से अगर मैं चलूंगा तो जिसको कंप्लीट करने में मुझे 20 घंटे लग रहे थे 40 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से, वो 20 घंटे ना लग करके कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। क्योंकि 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा हूं तो 800 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे 10 घंटे लगेंगे, सिंपल सी बात है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप अगर 80 किलोमीटर आपको कवर करना हो तो इस हिसाब से चलेंगे। अगर मैं 120 के हिसाब से चलूं या फिर उससे भी तेज चलूं, मैं 160 के हिसाब से चलूं या फिर मैं और स्पीड अपनी बढ़ा दूं, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो टाइमिंग है वो कम हो रही है। क्या हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, समझिए कि अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, किसको बढ़ा रहा हूँ, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो टाइम है वो क्या हो रहा है, कम लग रहा है। यानी कि अगर आप 40 किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे, राइट, तो आपको 1 आवर का समय लग रहा है, लेकिन आप 80 किलोमीटर स्पीड अपनी बढ़ा देंगे, 80 किलोमीटर पर आवर, तो जिसको 1 घंटे में आप कवर कर रहे हैं वो 30 मिनट में आप कवर कर लेंगे, राइट? इसी तरीके से अगर आप 160 किलोमीटर के 160 कर देंगे तो आप 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा, यानी 15 मिनट में ही आप 40 किलोमीटर कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीजें, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में क्या होता है, दोनों चीजें बढ़ रही थी, और ये इनडायरेक्ट है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक चीज, कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बेसिकली आपको ग्राफ के थ्रू बताना चाहता हूं ताकि आप और बेटर तरीके से इन चीजों को समझ पाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है सीधा अनुपात। देखिए, जो प्रोपोर्शन है उसका साइन बहुत सिंपल होता है। प्रोपोर्शन को हम कुछ इस तरीके से बताते हैं, ये होता है हमारा प्रोपोर्शन का साइन, राइट?
और ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो क्या हो रहा है, जो वाई है वेरी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम ऐसे करते हैं, ये प्रोपोर्शन का साइन है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, यानी कि जब हम वाई इक्वल टू क्या करेंगे, के एक्स करेंगे। अगर हम वाई की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। जहां पे जो के है वो हमारा कॉन्स्टेंट रहने वाला है, यानी कि वाई की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो हमारा एक्स की जो वैल्यू है वो भी ऑलरेडी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट वेरिएशंस को समझ सकते हैं, और मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको बताया था कि किस तरीके से चीजें बढ़ रही। जैसे मान लीजिए 1 केजी, 1 केजी बनाना की कीमत है 20 रुपये, तो 2 किलो बनाना की कीमत कितनी हो जाएगी, आपके देंगे 40, 40 रुपये हो गए। यानी कि अगर हम ये केजी बढ़ा रहे हैं, अगर हम केजी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, राइट, दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को के बारे में बात करते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या कहता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है डिक्लाइन फॉर्मेट में रहता है, जैसे वाई इक्वल टू के अपॉन एक्स, यानी कि एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमारा इनवर्सली है एक्स के, इनवर्सली है यानी कि वाई इनवर्सली वन अपॉन एक्स, यानी कि वाई की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट, और वाई की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखिए वाई इक्वल टू के अपॉन एक्स लिखा हुआ है, राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि वाई की वैल्यू को बढ़ाएंगे एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, वाई की वैल्यू यहाँ से लेंगे एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, यहाँ पे इंक्रीज फॉर्मेट का कुछ नहीं है। तो ये होता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो जो हमारा टाइम होगा वो कम लगेगा, स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा क्या होगा, कम होगा, जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे, जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे, कम जल्दी पहुंचेंगे, जितना स्पीड को क्या करेंगे कम करेंगे उतना ही टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 40 किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हैं पर आवर, अगर आप इसको 20 किलोमीटर के हिसाब से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जहां 1 घंटे में आप पहुंच रहे थे वो 2 घंटे का समय लेगा, यानी कि अगर स्पीड को अगर आप कम करेंगे तो टाइम आपका बढ़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, और एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, और डायरेक्ट और जो इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर बिठा लिया। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इसके कंप्लीट क्वेश्चन एक्सरसाइज के बारे में। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।